हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए केसर की चाय किस तरीके से बनानी है। मैं एक कप चाय के लिए एक चम्मच चीनी, चम्मच चाय पत्ती और थोड़ी सी इलायची। मैं चुटकी भर केसर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि केसर की तासीर गर्म होती है ताकि ज़्यादा गर्मी ना करे और उसका बेनिफिट भी हमारी हेल्थ को पूरा मिले। एक कप चाय के लिए इतना सा केसर इनफ है और मैंने हाफ कप पानी लिया है और हाफ कप ही दूध लिया है। चलो शुरू करते हैं। पैन के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर उबाल आने का वेट कर रही हूँ। उबाल आ गया है, अब मैं इसमें चुटकी भर केसर डालूंगी। आप देख सकते हैं हल्का सा केसर डल चुका है। मैं थोड़ा सा केसर और डालूंगी ताकि रंगत अच्छी आए। और उबालते हुए केसर डालने का मतलब है कि पूरा रंग छोड़ देगा उबालते टाइम। अगर आप चाहें तो केसर पहले भिगो के भी रख सकते हैं ताकि उसका पूरा रंग पानी के अंदर आ जाए। अब पानी उबलने लगा है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी चाय पत्ती और चीनी। जैसे ही चाय पत्ती रंग छोड़ने लगी के साथ साथ केसर भी अपना रंग छोड़ता जाएगा। और अब मैं डालने वाली हूँ हाफ कप दूध। सिर्फ एक कप चाय ही बना रही हूँ। जैसे ही मैंने इसको डाला, आप देखोगे चाय पत्ती और केसर के कलर से चाय का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। उबाल आ चुका है, अब रह गई इलायची। इलायची मैंने एंड में इसका डाली है ताकि इलायची के बेनिफिट में चाय के अंदर जाए और साथ के साथ इसकी खुशबू भी रहे। आप देखोगे उबाल के साथ साथ केसर के तिनके भी आपको दिख रहे होंगे चाय पत्ती में। उबालने से क्या होगा, चाय पत्ती की रंगत तो आएगी आएगी, बट साथ के साथ केसर के तिनकों का रंग भी चाय पत्ती के अंदर आएगा। ये उबल चुकी है चाय, ऑलमोस्ट हमारी चाय तैयार है। केसर के फ़ायदे बहुत सारे हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए, आँखों के लिए। कोशिश करें कि केसर का कम अमाउंट में यूज़ करें। केसर की तासीर गर्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।